Hello, I am Monica Tauri, student of BTech Food Technology, passionate for cooking and a big foodie. So, welcome to Monica's Cooking Station. पूरे वर्ल्ड में अभी COVID-19 की कोरोना वायरस की दहशत फैली है, तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे फूड जो आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना रखे ताकि आपको COVID-19 जैसे ही बाकी बीमारियों से भी लड़ने में मदद मिले। क्योंकि WHO के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्फेक्टेड लोगों में से कोरोना वायरस से जितने भी लोग इन्फेक्टेड है उसमें से करीब 80% लोग खुद ही रिकवर कर जाएंगे अगर उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो। यानी अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो आपको बिना हॉस्पिटल जाए ही घर पे ही बिना ट्रीटमेंट के आप रिकवर कर सकते हैं कोरोना वायरस से। और सिर्फ 14-15% लोग ऐसे रहेंगे जिनमें थोड़े से सीवियर सिम्टम्स दिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल निमोनिया, फ्लू, इस टाइप में। और बस 4-5% लोग ऐसे होंगे जिनमें क्रिटिकल सिम्टम्स दिखेंगे, यानी उनके डेथ के चांसेस ज़्यादा है। उसमें भी ओल्ड पीपल ज़्यादा इंक्लूड है क्योंकि ओल्ड लोग पीपल की जो इम्यूनिटी पावर है वो कम होती है, इम्यून सिस्टम उनकी कमज़ोर होती है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट इस समय पे ये है कि हम हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनी रहे। और एकदम स्ट्रांग इम्यून सिस्टम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्दी डाइट। तो चलिए देखते हैं हेल्दी डाइट में अभी हमें क्या क्या कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमारी इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग बने। और अगर इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है विटामिन डी सोर्सेस वाले फूड। विटामिन डी का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट, सो सुबह की ताज़ी और कोमल सनलाइट आप ज़रूर लें। उसके बाद में अगर आप फूड में देखोगे तो मशरूम्स में विटामिन डी बहुत प्रेजेंट होता है। करीब 100 ग्राम मशरूम में 130 से 450 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी आपको मिल सकता है। उसके बाद रिच सोर्स विटामिन डी का गाय का दूध भी होता है, गाय के दूध में भी काफ़ी विटामिन डी आपको मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो सोर्सेस है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस बहुत है विटामिन डी के। लेकिन इस COVID-19 के दौर में आई विल सजेस्ट कि आप नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस अवॉइड करें तो ही बेटर है। और फिर भी अगर आप नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे एकदम अच्छे से पका कर ही कंज्यूम कीजिए, कच्चा बिल्कुल मत कीजिए। विटामिन डी के साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ तरीके के प्रोबायोटिक्स भी आप कंज्यूम करें, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। जैसे लैक्टोबैसिलस के सबसे बड़े सोर्सेस फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि दही, इडली, साथ ही में सॉर्क्रॉट वगैरह। ये जो सोर्सेस है इनमें इम्पॉर्टेंट जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ होते हैं और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्मूथली रन करने में हेल्प कर सकते हैं और साथ ही में हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करेंगे। तो आप फिर आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो हमें कोल्ड एंड फीवर से फाइट करने में बहुत हेल्प करता है। और विटामिन सी के सोर्सेज जो है वो इजीली अवेलेबल भी होते हैं, फॉर एग्जांपल लेमन यानी नींबू, ऑरेंजेस यानी संतरा, मौसम्बी, लाइम, साथ ही में ग्रेप्स वगैरह भी। ये सारे जो सोर्सेस है इजीली अवेलेबल भी है और अभी तो इनका सीजन भी चल रहा है, तो आप इन्हें ज़रूर कंज्यूम कीजिए अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि ये हमें कोल्ड और फीवर से फाइट करने में बहुत हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट जो सोर्स है वो आपको बहुत पसंद होगा, यानी कि डार्क चॉकलेट। जी हाँ, डार्क चॉकलेट भी हमें इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि डार्क चॉकलेट में होते हैं थियोब्रोमाइन जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। लेकिन डार्क चॉकलेट में थियोब्रोमाइन के साथ ही होता है बहुत सारा सैचुरेटेड फैट और बहुत सारी कैलोरीज, इसलिए ज़रूरी है कि हम डार्क चॉकलेट को एक मॉडरेशन में ही कंज्यूम करें। उसके बाद आता है जिंजर और गार्लिक। जिंजर और गार्लिक को बहुत से सेवरी डिशेस में हम एज स्पाइस यूज़ करते हैं, पर इन्हें बहुत इग्नोर किया जाता है, ऐसे इनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं माना जाता है। लेकिन जिंजर और गार्लिक बहुत हेल्प करते हैं आपको कोल्ड फीवर से भी प्रोटेक्ट करने में और साथ ही में इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने में। और अभी तो जिंजर टी बहुत ट्रेंडिंग भी है और बहुत टेस्टी भी लगती है। अगर आपको जिंजर टी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि जिंजर गार्लिक जो है हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और अभी ज़रूरी है हमें हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए ताकि हम COVID-19 से अच्छे से फाइट कर सकें। तो जिंजर टी की रेसिपी मैं जल्दी अपलोड करूँगी, देखते रहिए। फिर है स्पिनैच यानी कि पालक। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत सारा विटामिन ए आपको मिलेगा
जिसमें बीटा कैरोटीन, ये जो विटामिन ए का कंटेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में वो आपको बहुत मिलेगा। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है स्पिनैच। स्पिनैच में फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीन्स, विटामिन ए, विटामिन ई, इतने सारे कंटेंट्स होते हैं और सभी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप स्पिनैच अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर कंज्यूम कीजिए इन दिनों। इन सब के अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अभी ध्यान रखनी है वो ये है कि हाईली प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम करना कम कर दे अभी। फॉर एग्जाम्पल वेफर्स वगैरह, ये जो होते हैं बहुत प्रोसेस्ड फूड होते हैं और इनमें विटामिन्स, मिनरल्स कम होते हैं और सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, हमारे इम्यून सिस्टम को कम कर सकते, सॉरी हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रोसेस्ड फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करें खाना। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। पानी पीने से हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होगी, आपको एनर्जेटिक लगेगा और हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस जो है वो अच्छे से और स्मूथली रेगुलेट होंगे। एटलीस्ट 8 ग्लासेस पर डे जो रिकमेंड किया है नॉर्मल अडल्ट के लिए, आप एटलीस्ट 8 ग्लास दिन में ज़रूर पानी पिए। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा पी सकते हैं तो सोने पे सुहागा। ये तो हो गया फूड के बारे में। बाकी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में, जिसमें सबसे पहले आएगा डाइट। डाइट के बाद आएगा आपकी प्रॉपर स्लीप। आपको अडल्ट को करीब 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी प्रॉपर स्लीप होगी तो आपके बॉडी फंक्शन स्मूथली प्रोसेस करेंगे और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट होगी। साथ ही में ज़रूरी है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम रहे, आप थोड़े एनर्जेटिक रहे और आप चीयरफुल रहे। अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो तो इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगी। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली फंक्शन करेगी और आप एनर्जेटिक रहेंगे और आपको बिल्कुल डल महसूस नहीं होगा, चीयरफुल रहेंगे, जिससे आपके बॉडी प्रोसेसेस भी अच्छे से प्रोसेस कर सकेंगे, फंक्शन कर सकेंगे। और जितना हो सके एक जगह पे बैठना अवॉइड कीजिए। और अगर आप जल्दी पैनिक होते हैं तो ऐसी न्यूज़, कोरोना वायरस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पढ़ना कम करें अगर आप पैनिक होते हो तो। बस उतना ही ध्यान रखें कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा सुनोगे, बहुत पैनिक हो जाओगे तो आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकती है और उतने अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगी। तो बस ये सारे प्रिकॉशंस आप अच्छे से फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।